गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुनिया में ऐसी भी साइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ रैंडम कंटेंट, मतलब जो भी मार्केट में हो रहा है, जितना भी हो रहा है और जो भी आपके दिल में आ रहा है, मतलब डजंट मैटर कि आपकी ऑडियंस उसको देखना चाहती है या नहीं चाहती है, डजंट मैटर, आप सिर्फ कंटेंट बनाते जाओ और आज के इस प्रोसेस से, इस स्ट्रैटेजी से आपको उस कंटेंट में भी इतना ट्रैफिक मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि आप जो भी कंटेंट लिखोगे ना, उसका हमें एसईओ करने की जरूरत ही नहीं है। आप भूल जाओ कि आपको गूगल पे रैंक करना है। आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी कि आपने एसईओ किया है नहीं किया है, आपने प्लेजरिज्म चेक किया है नहीं किया है, आपका कंटेंट एआई डिटेक्टेड है नहीं है, डजंट मैटर, भूल जाओ। आप सिंपल पता क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे सोशल मीडिया का। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो विजुअली लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, उसके अंदर एक ऐसा हुक है ना कि लोग उसको क्लिक करके उस कंटेंट को पढ़ रहे हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चीजों को अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। गाइस देखो, ये एक वेबसाइट है विच इज buzzfeed.com। अब मैं अगर आपको इस साइट का एनालिटिक्स दिखाऊं तो आप हैरान हो जाओगे, 104 मिलियन का ट्रैफिक है, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा का तो इसका ट्रैफिक है। और ये पूरी साइट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसका पूरा ट्रैफिक जो है 54%, मतलब 100 मिलियन का 50 मिलियन ट्रैफिक तो यूनाइटेड स्टेट्स से है। अब यूनाइटेड स्टेट्स से अगर ट्रैफिक है तो इसमें इंडियन कॉन्टेंट क्या कर रहा है, 14 बॉलीवुड मूवीज, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये ध्यान नहीं रखा जा रहा कि मार्केट किस चीज की डिमांड कर रही है, बस ये ध्यान रखा जा रहा है कि बस डाले जाओ, जिस कॉन्टेंट से जितना भी ट्रैफिक आ जाए उससे हमें फायदा उठाना है, हमें उससे अर्न करना है। अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग से एक एनालिटिक्स में, जो कि सबसे ज्यादा आपका टर्निंग पॉइंट होगा इस वीडियो का, वो ये है। गाइस आप यहां पर देखो कि इस पर्टिकुलर जो साइट का, जो कि रैंडम कंटेंट बनाती है विदाउट थिंकिंग ऑफ कि उसका निच क्या है, उसका जो मेन ट्रैफिक है वो डायरेक्ट है। वो डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। लेकिन डायरेक्ट के अलावा एक खास चीज देखने की जरूरत है कि इसको सर्च से ट्रैफिक तो मिल रहा है विच इज 40%, लेकिन ये सर्च पे किसी तरीके से डिपेंड नहीं है, ये एसईओ नहीं कर रहा है अपने किसी भी पोस्ट का। क्यों नहीं कर रहा है पता है? क्योंकि उसको पता है कि मुझे एसईओ करना ही नहीं है, एसईओ के जो एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग उसको मैक्सिमम जो कंटेंट है ना वो एक निच पे लिखना होता है, बट ये नहीं लिख रहा है। उसके बाद भी इसको सर्च का ट्रैफिक मिल रहा है, इसको सर्च का ट्रैफिक इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये ऐसे ऐसे कंटेंट लिख रहा है जिस पे कोई फोकस भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं फोकस कर रहा है? क्योंकि ये रैंडम कंटेंट लिख रहा है। चीजों को समझो आप, क्योंकि ये इसके पास ऑलमोस्ट हर चीज का कंटेंट है, ये कीवर्ड रिसर्च करके कर ही नहीं रहा, इसीलिए सर्च में, क्योंकि सर्च बहुत बड़ा है ना, उसमें जो भी कुछ भी सर्च कर रहा है गूगल के पास उसका शायद कंटेंट नहीं है, तो मजबूरन इसके कंटेंट को रैंक कराना पड़ रहा है क्योंकि इसके पास डेफिनेटली होगा, इसने इतने कंटेंट लिख दिए होंगे रैंडम चीजों पे, इसीलिए सर्च पे रैंक कर रहा है। लेकिन उससे भी खास बात यहां पर देखो कि 18% का सोशल मीडिया ट्रैफिक, ये है सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यहां पर, जो कि मैं समझाने की अब कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर क्या है गाइस, देखो इस टाइप का जो कंटेंट है ना, 14 बॉलीवुड मूवीज टू वॉच इफ यू आर ट्रीटिंग दिस वैलेंटाइन डे एज अ सेल्फ केयर डे। अब खुद सोचो कि क्या कोई सर्च में जाके इस टाइप के कंटेंट को लिखता है क्या? बिल्कुल नहीं लिखता है गाइस, यहां पर ऐसा कोई सर्चेस एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पर काम आता है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर एक खास बात यह है कि सोशल मीडिया में ना आपका कंटेंट जो है वो कितना अच्छा है वो इस पे डिपेंड करता है कि दुनिया उसको देख के रुक रही है अपने फीड में या नहीं, बस इस पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। आपका काम बन गया एंड दिस इज व्हाट 18%, मतलब 18 मिलियन से ज्यादा का ट्रैफिक सोशल मीडिया से ला रहा है। दिखा दूं कहां से आ रहा है, चलो चलते हैं। गाइस मैं सिमिलर वेब में हूं और मैं बजफीड का ही अकाउंट देख रहा हूं, यहां पर आप देख रहे हो, और यहां पर साफ बता दिया गया है सोशल मीडिया ट्रैफिक टू buzzfeed.com 72% फ्रॉम Facebook and here is the page. ये है वो पेज जहां पर वो हर मिनट कंटेंट डाल के, गाइस देखो 13 मिनट, 4 घंटे, 5 घंटे, अब मैं अगर रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं इस पेज को, हर कुछ घंटे में इसमें कंटेंट आई जा रहा है और जो कंटेंट आप देखो पूरी तरीके से एक लिंक है, जस्ट लुक एट इट। अगर मैं इसको लिंक करूंगा तो मैं बस फीड में चला जाऊंगा और यहां पर कंटेंट क्या है, सिर्फ ये इमेज और ये इसका टाइटल, जो कि एक हुक क्रिएट करेगा और इस तरीके से इसको यहां से ट्रैफिक मिल रहा है। बस आपको भी यही करना है, रैंडम कंटेंट का ताकत आज मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। तो चलो अब जल्दी से मैं स्टार्ट कर देता हूं, जिसके अंदर अब आप क्या करने वाले हो उसको जल्दी से पकड़ते हैं। अब आपको जाना है trends.google.com पे, यहां पर मैं चाहूंगा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काम करो क्योंकि वहां से जो सीपीसी आएगा वो ताबड़तोड़ सबसे ज्यादा अच्छा आएगा। अब यहां पर जाओ, देन गो फॉर द लेटेस्ट सर्चेस, जो कि यहां पर रिसेंटली ट्रेंडिंग,
है। अब यहाँ पर कोई भी टॉपिक है जो कि आप बैक टू बैक लो इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेच जस्ट लेते रहो। और यहाँ पर आप देखो कि ये निकी हेली अनाउंसेस रन फॉर प्रेसिडेंट चैलेंजिंग ट्रंप वगैरह जो भी है इस टाइम पे सबसे ज्यादा ये सर्च में है। जस्ट क्लिक करो और जल्दी से इस कॉन्टेंट को यहाँ पर देख लो। कुछ नहीं करना है इसके बाद, सीधा होगा इस चैट जीपीटी में अपने वर्चुअल असिस्टेंट को काम पे लगाओ। मैं यहाँ पर आपकी आंखों के सामने करके दिखा रहा हूँ, जल्दी से देख लो। यहाँ पर आपको सिंपल आके पता क्या करना है, मैंने आपको AIPRM पे एक वीडियो दिया है उसको इंस्टॉल करना है। ये क्रोम एक्सटेंशन है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको सिंपल एक चीज का लिखना है SUM। देन यहाँ पर आपको एनालाइज द वेबसाइट समराइज इसको क्लिक करना है और यहाँ पर इस पेज का सिर्फ कॉपी करके लिंक को यहाँ पर एंटर कर देना है। That's it, अब बैठ जाओ। और बैठने के बाद गाइज आपको वेट करना है कि ये पूरे इस कॉन्टेंट को पढ़ के आपको समरी, जो कि इतना बड़ा कॉन्टेंट है, जो कि इतना बड़ा कंटेंट डेफिनेटली आप नहीं यूज करोगे। Why? Because आपको नहीं SEO के लिए काम करना है, आपको लॉन्ग कंटेंट नहीं चाहिए, आपको छोटे छोटे कंटेंट चाहिए जो कि आपके सोशल मीडिया के उस जनता को जल्दी से अट्रैक्ट कर पाए जो कि इस कंटेंट को देखना तो चाहता है लेकिन बहुत जल्दी से और विजुअल तरीके से। बस यहां पर आ गया आपका समरी। गाइस देखो, इसने उस बड़े से कंटेंट का एक सार, एक एक्सट्रैक्ट जो है छोटा सा बना के, एक पुड़िया बना के आपको देना शुरू कर दिया। अब आपको इसको सिंपल कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस में जाओ, पोस्ट में जाओ, ऐड न्यू पे क्लिक करो। अब आपको यहां पर आके उस कंटेंट को एज इट इज पब्लिश कर देना है क्योंकि मुझे रैंक नहीं कराना दोस्त, नहीं कराना, सिंपल रखो इसको। अब यहां पर आते हैं टाइटल, सिंपल यहां पर आप जाओ और लिखो गिव मी अ सोशल मीडिया टाइटल विद हुक। मैंने यहाँ पर लिखा है कि आप मुझे इस कंटेंट का सोशल मीडिया टाइटल दिया जाए और उसमें एक बढ़िया सा हुक हो जो कि मेरे ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए, विच कैन अट्रैक्ट माय, सिंपल एंटर। अब आप गाइस बैठ जाओ ना, कुछ भी नहीं करना है आपको। अब यहां पर देखो ब्रेकिंग न्यूज, निकी हेली अनाउंसेस रन फॉर प्रेसिडेंट चैलेंजिंग ट्रंप, व्हाट डज दिस मीन फॉर द फ्यूचर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, हैशटैग सकते दिए। अब आप सिंपल एक काम करो, इतना कॉपी करो एंड योर जॉब इज डन। कॉपी, कम हियर, पेस्ट, ये है आपका वो टाइटल जिसपे आपको काम करना है एंड योर जॉब इज डन। अब सिंपल सा इसमें एक इमेज चाहिए, उस इमेज को आप गूगल से लो। तो उसके लिए आप गूगल पे जाओगे, google.com, देन यहाँ पर इमेजेस, देन यहाँ पर आओ सिंपल निकी हेली, निकी हेली यहाँ पर एंटर, देन यहाँ पर टूल्स पे, यूसेज राइट पे, कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस। गाइस दैट्स इट, इसमें से आप कोई भी इमेज को उठाओ, कॉपी करो, सेव इमेज एज, यहाँ पर आओ, देन फीचर्ड इमेज पे जाओ लाइक दिस, फीचर्ड इमेज में इसको अपलोड कर दो। क्रिएटिव लाइसेंस आपको ये हक देता है कि आप इसको अपने साइट के अंदर यूज कर सकते हो। योर जॉब इज डन गाइज, माई कॉन्टेंट इज दिस, लुक एट इट। सो गाइज नाउ दिस इज माई कॉन्टेंट, ये गाइस देखो छोटा सा प्यारा सा कंटेंट जो कि ट्रेंड कर रहा है और आपको इसमें भरपूर सोशल मीडिया का समर्थन मिलेगा, लोग इसको क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें मुझे एसईओ करना ही नहीं है, मुझे गूगल पर रैंक करना ही नहीं है, पूरा फेसबुक से ट्रैफिक लाना है। फेसबुक से क्यों, मैं तो इसको ट्विटर में भी शेयर करूंगा लाइक दिस, मैं इसको पिंटरेस्ट में भी शेयर करूंगा, जहां जहां शेयर हो सकता है मैं रेडिट में भी करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारे यूएस के वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ताबड़तोड़ ट्रैफिक है। तो फेसबुक पे तो मैं कर ही रहा हूं क्योंकि मैं एक पेज बनाऊंगा जो कि मेरे वेबसाइट के नाम का होगा, जो कि यहां पर बस फीड का अपना खुद बना रखा है, बस फीड ने अपना ट्विटर भी बना रखा होगा, पिंटरेस्ट भी बना रखा होगा। आपको सिर्फ अब फेसबुक का एक पेज बनाना है, आपको पिंटरेस्ट का एक पिन बोर्ड बनाना है, ट्विटर का एक हैंडल बनाना है और तीनों जगह पे इसको शेयर करना है। ऑटोमेटिक शेयर के लिए मैं आपको प्लगइन बता देता हूं कि आप जैसे ही यहां पर इसको पब्लिश करोगे, मान लेते हैं मैंने यहां से इसको पब्लिश कर दिया, ऑटोमेटिक तीनों पे चले जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ दबा दब लेटेस्ट कंटेंट यहां से उठाना है, उसको चैट जीपीटी से समराइज कराना है और उसके बाद इसको सिर्फ यहां पर आके पब्लिश कर देना है, सारे सोशल मीडिया पर जाता रहेगा। डिस्क्लेमर सुन लो, एक दो पोस्ट नहीं करना है आपको, दिन के 50-50 पोस्ट आने वाले 3-4 महीनों तक करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। पहले ही बता दूं, कहीं आप सोच रहे हो कि रातों रात यहां पर आपको चीजें मिलने वाली है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सिर्फ यही कहा था, ये एक बहुत बढ़िया करियर बन सकता है। करियर कौन सा होता है जिसमें आप पहले मेहनत करते हो और बाद में आप सुख भोगते हो, एग्जैक्टली वो चीज है। अब आपको यहां से सिर्फ ना हैशटैग्स लगा के ट्विटर, पिंटरेस्ट, फेसबुक, इनमें यूनाइटेड स्टेट्स वाले कंटेंट को उठाना है, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के कंटेंट, क्योंकि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स वाले ही कंटेंट उठाओगे तो ही यूएस के अंदर आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, और वहीं से आपको सीपीसी ज्यादा मिलने वाला है। तो ये थी कहानी आज के पूरे वीडियो की, कि आपको किस तरीके से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करके चैट जीपीटी में दबा दब कंटेंट बनवा के आपको सारा काम करना है।